नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले देशद्रोहियों पर एक्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एनआईए की 23 टीमों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में आतंकी कैंप चलाने की सूचना पर की गई है, जहाँ से जांच टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एनआईए इस दौरान निजामाबाद उस केस पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें ये दावा किया गया था कि यहां कराटे ट्रेनिंग सेंटर की जगह आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला संयोजक शाहदुल्ला के यहाँ छापेमारी की है, क्योंकि आतंकी कैंप चलाने के पीछे पीएफआई के सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बार फिर पीएफआई देश के लिए खतरा बनती दिखाई दे रही है। बता दें कि 30 लोकेशंस पर एनआईए ने ये छापेमारी की है, जिसमें निजामाबाद, कुरनूल और गुंटूर जैसे इलाके शामिल हैं। एनआईए इस छापेमारी में संगठन और उसके सदस्यों को आतंकी कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पुलिस पहले ही मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबीन को गिरफ्तार कर चुकी है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। एनआईए की हैदराबाद यूनिट ने अब्दुल खादर और 26 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में मोदी सरकार के खिलाफ कथित युद्ध छेड़ने की योजना बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीएफआई संगठन में युवाओं को भर्ती करने और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप भी लगे हैं, ताकि वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। पीएफआई पर आरोप लगा है कि उन्होंने गैर कानूनी सभा भी बनाई है, जिसमें वो धर्म के आधार पर अन्य समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करते हैं। आरोप ये भी है कि ये संगठन देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को भी नुकसान पहुँचाने में शामिल है। ये सभी आरोप एनआईए की एफआईआर में लिखे गए हैं। वहीं अब पीएफआई पर लगाम लगाने की तैयारी तेजी पर हो गई है, क्योंकि इसकी देश विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और जांच एजेंसी इसकी गतिविधियों पर लगाम तेजी से लगा रही है। आतंकी गतिविधियों का भंडाफोड़ करते हुए एनआईए की 23 टीमों ने 30 जगहों पर कार्रवाई की है और रडार पर पीएफआई के लोग आए हैं। पीएफआई संगठन पर युवाओं को भर्ती करने और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप है। ये ट्रेनिंग सेंटर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए चलाए जा रहे थे और इन आतंकियों के रडार पर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता थे, लेकिन एनआईए ने इनके काले मंसूबों पर पानी फेर दिया और बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।